हालत ये है कि ऋषि भवन और रजिस्ट्रार सर के जो भवन है उनके सामने रोज साफ सफाई हो जाती है अच्छी खासी, जैसे लोगों को लगता है कि सफाई अच्छी है, बाकी डिपार्टमेंट में और बाहर की हालत ये है कि वहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6,000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MDS विश्वविद्यालय अजमेर में प्रदर्शन किया, जिसमें हमने ऋषि भवन का घेराव किया। ऋषि भवन के छत पे जाके हमने जोरदार प्रदर्शन किया, फिर ऋषि सर को हमने हमारी निम्न मांगों से अवगत कराया गया, जो इस प्रकार है। पहली, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास संपूर्ण मात्रा में जनरेटर होने के बाद भी उनको रिपेयर करके चालू नहीं किया जा रहा, जिसके कारण ऐसी भयंकर गर्मी और एग्जाम के टाइम विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने सर को ये बताया कि जल्द से जल्द इनको चालू किया जाए, ताकि विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। दूसरी, बॉयज हॉस्टल को जल्द से जल्द रिपेयर करके चालू किया जाए। काफी टाइम से, काफी 4-5 महीने पहले उसके पैसे पास हो चुके, फंड पास हो चुका है, फिर भी प्रशासन इतना वो है कि उसको चालू नहीं किया जा रहा, जिसके कारण स्टूडेंट को बाहर रूम लेके रहने पे मजबूर हो रहे हैं और काफी कठिनाई का सामना किया जा रहा है। तीसरी, विश्वविद्यालय प्रशासन की संपूर्ण साफ सफाई की जाए। हालत यह है कि ऋषि भवन और रजिस्ट्रार सर के जो भवन है उनके सामने रोज साफ सफाई हो जाती है अच्छी खासी, जैसे लोगों को लगता है कि सफाई अच्छी है, बाकी डिपार्टमेंट में और बाहर की हालत यह है कि वहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। चौथी समस्या ये है कि PTI की जो पोस्ट है फिजिकल ट्रेनर की, वो काफी समय से विश्वविद्यालय प्रशासन में खाली है, जिसके कारण मतलब स्टूडेंट को खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ रही है और अच्छे से वो खेल नहीं पा रहे और उनको बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो जल्द से जल्द हमारी मांगों को करें, नहीं तो उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी खुद होंगे, तैयार है उसके लिए। मुकेश चौधरी, छात्र संघ उपाध्यक्ष, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति सचिवालय के पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कुलपति महोदय से मिलकर उनको अवगत कराया कि लंबे समय से गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और विक्रमादित्य भवन, जिसमें MBA के स्टूडेंट हैं, उनकी मरम्मत नहीं करवा रहे हैं बिल्डिंगों की। उनके लिए फंड भी 5 महीने पहले जारी हो गया, लेकिन उनको लेकर आज पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। अगर वो मांग नहीं पूरी करते हैं 10 दिन के अंदर, तो उस पर पुरजोर तरीके से पुनः विरोध किया जाएगा। और साफ सफाई विश्वविद्यालय परिसर की और AC वगैरह है, जो लाइब्रेरी में AC नहीं चलती है समय पे, वो ACOं को रिपेयरिंग किया जाए, और इन चीज़ों को लेकर आज पूरी तरीके से विरोध किया गया। अगर इनको 10 दिन के अंदर पूरा नहीं किया जाता है, और लाइब्रेरी का और जितने भी डिपार्टमेंट है विभाग के, उनके जनरेटर को 10 दिन के अंदर अगर स्टार्ट नहीं किया जाता है, तो पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा, उग्र आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी समस्त विश्वविद्यालय प्रशासन होगी। मैं विभाग द्वारा।